सुप्रभातम विद्यार्थियों, विश्वनाथ कविराज जी ने साहित्य दर्पण में अविधा एवं लक्षणा शक्ति के विवेचन करने के पश्चात व्यंजना जो तीसरी शब्द शक्ति है जो कि साहित्य शास्त्र में एक प्रमुख व्यापार के रूप में ग्राह्य है उसका विवेचन किया है। क्योंकि तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए तीन प्रकार के व्यापार शब्द व्यापार की आवश्यकता है और तीन प्रकार शब्द शक्तियों की आवश्यकता है। ये सभी आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है और सभी आचार्य अपने अपने हिसाब से लक्षणों का भी निरूपण किया है। तो विश्वनाथ कविराज ने जिस प्रकार इन शब्द शक्तियों का विवेचन किया है वह अत्यंत सरल एवं सर्व सहृदय ग्राह्य है। अविधा पहली शब्द शक्ति है, प्रथम शब्द शक्ति है, उसको मुख्य शब्द शक्ति भी कहते हैं क्योंकि मुख्य अर्थ का अवबोध कराने वाला व्यापार है वो। और लक्षणा दूसरी शब्द शक्ति है, इसको गौणी कहते हैं, जिस अर्थ का अवबोधन अभिधा वृत्ति से नहीं हो सकता है उस अर्थ के अवबोधन के लिए लक्षणा व्यापार का ग्रहण किया जाता है। और जिस अर्थ का अवबोधन मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त बा मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ को अवबोधन कराने वाले जो अभिधा एवं लक्षणा के द्वारा नहीं किया जा सकता, या तात्पर्याख्य नाम के वृत्ति दूसरा भी है जो कि वाक्यार्थ के अवबोधन के लिए होता है, तो उस वृत्ति के द्वारा भी नहीं हो सकता जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, उस अर्थ के ग्रहण करने के लिए व उस अर्थ का अवबोधन करने के लिए उस अर्थ का अर्थ को समझने के लिए उस अर्थ का प्रत्यायन के लिए जिस शब्द शक्ति की आवश्यकता है वह है व्यंजना। ये साहित्य में माना काव्य नाट्य आदि में ये एक प्रमुख व्यापार है क्योंकि इसके द्वारा जिस अर्थ का अवबोधन किया जाता है वह है व्यंग्यार्थ। वो व्यंग्यार्थ जो है वो ध्वनि रूप होता है, कभी वस्तु रूप में, कभी अलंकार रूप में, कभी रस रूप में, परंतु हे यह अत्यंत गूढ़ है क्योंकि सबसे साक्षात संकेतित अर्थ इसको बोलते हैं कि सबसे जो सीधे सीधे जिसका अर्थ का जिस अर्थ का वर्णन होता है वह मुख्य अर्थ, उसके लिए अभिधा व्यापार की आवश्यकता है। और थोड़ा सा और बुद्धि लगाने का कार्य है वह है लक्ष्यार्थ का बोधन करने अवबोधन के लिए, उसके लिए लक्षणा व्यापार की जरूरत है। और अत्यंत गहन गूढ़ होता है व्यंग्यार्थ क्योंकि ध्वनि रूप अर्थ है, उसके लिए व्यंजना व्यापार की आवश्यकता है। यही बात विश्वनाथ कविराज ने बड़े सरल तरीके से साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में अपने 12वीं कारिका में कही है व्यंजना व्यापार के बारे में। कहते हैं कि विरतासु अभिधाद्यासु विरताश्वभिधाद्यासु जयार्थो बध्यते परः सावृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। बोले अभिधाद्यासु विरतासु अर्थात अर्थ के अवबोधन के लिए वार्थ के अवबोधन में अर्थ के प्रत्यायन में जब अविधादि व्यापार अविधादि शब्द शक्तियाँ विरत हो जाती हैं व अपने अपने अर्थ को बताकर और आगे बताने में उनका सामर्थ्य का अभाव होता है, जिन शब्द शक्तियों का अविधादि शब्द शक्तियों का जप होती है, जिनके अजिन
अभिधा आदि शब्द शक्तियों की होती है। अभिधा आदि मतलब अभिधा लक्षणा और तात्पर्याक्ष नामक वृत्ति है, शब्द शक्ति है। इन तीन शब्द शक्तियों के द्वारा तीन प्रकार के जो अर्थ के अवबोधन के पश्चात, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तात्पर्यार्थ का अवबोधन कराने के पश्चात वो विरत हो जाने पर, मान क्षीण शक्ति हो जाने पर, तब जया जी सप्त शक्ति के द्वारा परह अर्थ बुद्ध्यति। परह अर्थ माने अविधेया अभिधेया अभिधेयादि अर्थ भिन्न अर्थ, अविधेय आदि भिन्न माने अविधेय माने वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ, इनसे भिन्न अर्थ अलग दूसरा अर्थ वो है व्यंग्य अर्थ। जैसे वस्तु रूप अलंकार रूप रस रूप में जो अभिव्यक्त होता है, जिसका अवबोधन होता है, उसके लिए जिस शब्द शक्ति की आवश्यकता है सा वृत्ति ही व्यंजना नाम, वह वृत्ति वह शक्ति वह व्यापार व्यंजना कहलाती है। और ये व्यंजना व्यापार किसकी होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति किसकी होती है, शब्दस्य शब्द की भी होती है और अर्थादिकश्च अर्थ की भी होती है। मतलब शब्द से भी व्यंग्यार्थ का अवबोधन होता है व्यंजना व्यापार के द्वारा, अर्थ भी से भी व्यंग्यार्थ का अवबोधन होता है व्यंजना व्यापार के द्वारा। इस प्रकार व्यंग्यार्थ के जो अवबोधक है शब्द है, शब्द भी है और अर्थ भी है, अर्थ भी उसका व्यंजक है और शब्द भी उसका व्यंजक हो सकता है, परंतु उसके लिए जरूरत है आवश्यकता है व्यंजना नामक शक्ति की, व्यंजना नामक व्यापार की आवश्यकता है, व्यंजना नामक वृत्ति की आवश्यकता है। वहाँ अविधा एवं लक्षणा या तात्पर्याक्ष वृत्ति से कार्य नहीं होगा। अविधा लक्षणा तात्पर्याक्ष वृत्ति अपने अपनी जो अर्थ है उसको बोधन करने के पश्चात विरत हो जाए। जैसे अविधा व्यापार अपने साक्षात संकथित अर्थ को बोधन करेगा, मुख्य अर्थ का बोधन करेगा, लक्ष्यार्थ जो है गौण रूपी जो अर्थ जो है मुख्यार्थ से भिन्न है अर्थ है उसको बोधन करेगा, तात्पर्यार्थ जो वाक्यार्थ रूप जो तात्पर्यार्थ उसको बोधन करेगी, कर सकती है, परंतु आगे उनकी शक्तियाँ नहीं है, क्षीण हो जाती तब व्यंजना व्यापार से उसका कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार वस्तु रूप अलंकार रूप रस रूप ध्वनि स्वरूपक जो व्यंग्यार्थ उसका अवबोधन के लिए व्यंजना व्यापार की आवश्यकता है, उसको वृत्ति के माध्यम से समझा रहे विश्वनाथ कविराज। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार अभाव इति नयेन, शब्द की बुद्धि यानी ज्ञान सब और कर्म की विरम्य विरम्भ हो जाने पर व्यापार अभाव, फिर व्यापार का अभाव होता है, इसी न्याय से अविधा लक्षणा तात्पर्याक्षासु वृत्तिषु तिस्रषु, अविधा लक्षणा तात्पर्याक्ष नामक तीनों वृत्तियाँ स्वम स्वम अर्थम बोधयित्वा, तो अपने अपने अर्थ को बोधन कराकर, यानी अविधा अविधेय अर्थ यानी वाच्यार्थ को बोधन कराकर, लक्षणा लक्ष्यार्थ को बोधन कराकर, तात्पर्याक्ष वृत्ति तात्पर्यार्थ को बोधन कराकर, उपक्षिणासु माने शक्तिहीन हो जाने पर, यया इस शब्द शक्ति के द्वारा अपरः अन्यो अर्थ बध्यते, इन तीनों से भिन्न जो अर्थ का अवबोधन होता है सा शब्दस्य अर्थस्य, वह शब्द और अर्थ का प्रकृति प्रत्यादिश्च और प्रकृति प्रत्यादि के भी शक्ति के रूप में जो परिगणित होती वह व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायनादि विपदेश विषया व्यंजना नाम, उसको व्यंजन ध्वनन गमन इत्यादि प्रत्यायन माने ज्ञान कराने के माध्यम से, कराने के विषय बोध के माध्यम से वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ तात्पर्य लक्ष्य, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्यार्थ तात्पर्यार्थ योः परिग्रह
जो होता है, तो वह लक्षण शब्द शक्ति से और तात्पर्याक्ष बुद्धि से, और अभिधेय का जो ग्रहण होता है अविधा व्यापार से, इन तीनों शब्द शक्ति से जो भिन्न है वह है व्यंजना व्यापार। उससे इन तीन प्रकार के अर्थ से भिन्न अर्थ का बोधन किया जाता है। इस प्रकार अभिधेयादि भिन्नार्थोपस्थापक वृत्तित्व व्यंजनात्म ये लक्षण किया जा सकता है। अविधेय आदि अविधेय लक्ष्य तात्पर्यार्थ नामक अर्थ को भिन्न अर्थ को प्रतिपादन करने की सामर्थ्य रखने वाला ही जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना है। तत्र व्यंजनायाः भेदम भेद निरूप्यते विश्वनाथ कविराजेन। विश्वनाथ कविराज के द्वारा लक्ष्य व्यंजना का भेद भी निरूपण किया जा रहा है। तो सबसे पहले वे व्यंजना के दो भेद बता रहे हैं, अविधा लक्षणामूला शब्दस्य व्यंजनादिधा। पहले शब्द की जो शब्द शक्ति है व्यंजना नामक है वो अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना के रूप में दो प्रकार की होती हैं। शब्द की जो व्यंजना शब्द शक्ति वो अभिधा मूला भी है लक्षणा मूला भी, द्विधा दो प्रकार। अभिधा मूला माह तो अभिधा मूला व्यंजना का निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कविराज कह रहे हैं, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते एकत्रार्थे नदी हेतु व्यंजना सविधाश्रया। बोले अनेकार्थस्य शब्दस्य एक से अधिक अनेक अर्थ एक से अधिक अर्थों का संधारण करने वाले जो शब्द है, अनेक अर्थस्य शब्दस्य जिस शब्द से अनेक अर्थ निकल रहा हो एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो ऐसे शब्द की जब संयोगादि ही नियंत्रित एकत्रार्थे संयोगादि ही नियंत्रित संयोगादि एकत्रार्थे नियंत्रित संयोग आदि के द्वारा, संयोग आदि मतलब विप्रयोग आदि आदि बताएंगे 14 बताएंगे आदि के द्वारा, संयोग विप्रयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में जब नियंत्रित किया जाता है, पर नियंत्रित किए जाने पर तब अन्यदि हेतु दूसरे अर्थ का अवबोधन कराने का जो कारण बनता है वह अविधाश्रया नामक व्यंजना कहलाती है। वह अन्य धी हेतु माने दूसरे अर्थ की बोधन कराने की कारण बनने वाली जो शब्द शक्ति है वो अविधाश्रया व्यंजना कहलाती है। तो आदि शब्दात विप्रयोगादे संयोग आदि कारक, आदि का मतलब विप्रयोग आदि माने अनेक अर्थ वाले शब्द का, जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकल रहा है हम तो एक अर्थ लेना ना, तब एक अर्थ का उद्बोधन करने के लिए जब संयोग आदि की मदद ली जाती है उससे नियंत्रित किया जाता है एक अर्थ में, अनेक अर्थों में से एक अर्थ में हम नियंत्रित करेंगे, तब जब एक अर्थ का उद्बोधन करने का वो कारण बनेगा तब वो अभिधा नामक व्यंजना कहलाएगी। उक्तम ही और कहा भी गया है संयोग आदि कौन संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्य मुचिति देशः कालो व्यक्ति सुरादयः शब्दार्थस्यान्वच्छेदि विशेष स्मृति हेतवः। बोले शब्दार्थस्यान्वच्छेदि शब्द के अर्थ के अनवच्छेद में मैंने अवच्छेद न होने में अनन्वय न होने में अन्वय सिद्धि के लिए अन्वय सिद्धि के रूप में क्या होता
विशेष स्मृति हेतु विशेष रूप से कार्य करने वाले व कार्य के हेतु विशेष स्मरण करने योग्य व कारण योग्य जो होते हैं कौन कौन होते हैं, संयोग नंबर वन, नंबर टू विप्रयोग, नंबर थ्री साहचर्य, नंबर फोर विरोधिता, नंबर फाइव अर्थ, नंबर सिक्स प्रकरण, नंबर सेवन लिंग, नंबर एट शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, अन्यस्य शब्दस्य सन्निधि, नंबर नाइन सामर्थ्य, नंबर टेन औचित्य, नंबर इलेवन देश, नंबर ट्वेल्व काल, नंबर थर्टीन व्यक्ति और नंबर फोर्टीन स्वरादि। इतने कारण बन सकते। संयोग माने साथ साथ रहना, साथ साथ रहने के साहचर्य संबंध से ही क्लियर करेंगे। अभिप्रयोग एक दूसरे के वियोग में भी अर्थ का अवबोधन कराएगा, जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकल रहा वो एक अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा। और साहचर्य न संयोग माने साथ रहना, जुड़ा रहना, और साहचर्य माने माने एक दूसरे की मित्रता दोस्ती होना, विरोधिता एक दूसरे की शत्रुता होना, अर्थ प्रयोजन, प्रकरण प्रसंग, लिंग कारण, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि अन्य शब्द की साथ रहने के लिए, और सामर्थ्य उसके सामर्थ्य अथवा समर्थता, और औचित्य औचित्य देश वाला स्थान काल वाला समय व्यक्ति भी भाई उसका प्रकट लिंग आदि के द्वारा माध्यम से प्रकट होना, स्वरादिया स्वरादि स्वर व्यंजन आदि विभिन्न प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित वेद में इसका प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं इनके उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाएगा कैसे यह अभिधा मूला लक्षणा यहाँ फलित होती है। पहला है संयोग, संयोग का उदाहरण है ससंक चक्र हरि, जैसे हरि और इसके लिए वाक्य प्रयोग है ससंक चक्र हरि, शंख और चक्र के साथ युक्त होने वाला हरि। हरि एक शब्द है जिसका अनेक अर्थ है, हरि का मतलब भगवान विष्णु, हरि का मतलब बंदर, हरि का मतलब शेर, हरि का मतलब सर्प, हरि का मतलब मेंढक, हरि का मतलब चूहा, तो बहुत सारे, हरि का मतलब छिद्र, तो कौन सा अर्थ लेंगे। तो यहाँ ससंक चक्र हरि जो कहा रखा, शंख और चक्र के साथ हरि, संयोग जो किया गया है शंख और चक्र का, तो भगवान विष्णु के ही शंख चक्र होते हैं, सांप के तो नहीं हो सकते, बंदर के नहीं हो सकते, शेर के नहीं हो सकते आदि आदि, तो इसलिए ये संयोग संबंध से नियंत्रित होकर इस शब्द से जो एक अर्थ में नियंत्रित हो गया, एक अर्थ कौन सा भगवान विष्णु रूप अर्थ में बोध हुआ, इसलिए यह अभिधा नामक अभिधा मूला लक्षणा कहलाती है। और संयोग के कारण विप्रयोग मैंने उन दोनों चीजों के अभाव में भी वही अर्थ आएगा, भले ससंक चक्र जोगेन हरि शब्द है यहाँ हो गया विष्णु में, असंख्य चक्र हरि इति तद वियोगेन तदेव, अगर असंख्य चक्र हरि कहेंगे संख चक्र रहित हरि तब भी वही भगवान विष्णु को समझाएगा, लेकिन हरि हैं भगवान विष्णु आए उनके साथ अभी संख चक्र नहीं है, क्योंकि अभी नहा के आए होंगे धो के आए, नहा धो के आए होंगे तो संख चक्र रख दिया, फिर बन लिया, फिर धारण कर लिया, तो इसलिए असंख चक्र हरि भी वही हरि भगवान विष्णु, ससंख चक्र हरि में भी हरि भगवान विष्णु, ये साहचर्य और विप्रयोग दोनों से हो गया, संयोग और विप्रयोग। अब दूसरा आएगा साहचर्य, भीमार्जुनो इति अर्जुन पार्थ, भीमार्जुनो भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनो, भीम और अर्जुन दोनों साथ अगर कह देंगे तो यहाँ अर्जुन का अर्थ अर्जुन पार्थ माने पृथानंदन कुंती का पुत्र कहलाएगा, न कि कार्तवीर्य कहलाएगा, कार्तवीर्य का नाम भी अर्जुन, सहस्रार्जुन जिसे कहते हैं, यदि अर्जुन पार्थ और कर्णार्जुनो यदि कर्ण सुतपुत्र, कर्णार्जुनो या विरोधिता, कर्णो और अर्जुन दोनों भी शत्रुता थी, दोनों पृथा के पुत्र हैं परंतु
यहाँ दोनों में शत्रुता थी, इसलिए कर्ण अर्जुन कहते ही यहाँ कर्ण जो है सूतपुत्र में आएगा, क्योंकि अर्जुन और कर्ण में शत्रुता थी। कर्णगात्र कान है, कर्णगात्र कर्ण कौन न सूतपुत्र कर्ण। स्थाणु मंदे तो साहचर्य हो गया, विरोधिता हो गई, अर्थ अर्थ का उदाहरण दे रहे हैं प्रयोजन। स्थाणु मंदे, स्थाणु वाला ठूंठा, स्थाणु मतलब शंकर भगवान, बंदे स्थाणु को बंदे प्रणाम करता हूँ। यहाँ जो प्रणाम करना प्रयोजन है, भगवान विष्णु की तो प्रयोजन करेगा, प्रणाम करेगा ना, ठूंठे को थोड़ी करेगा। तो ये जो प्रयोजन की सिद्धि हो रही, प्रयोजन की वजह से यहाँ स्थाणु का मतलब शिव आएगा, न कि ठूंठा। और सर्वम जानाति देव इति देवो भवान, अर्थगत प्रकरण, प्रकरण वाला प्रसंग से अर्थबोधन होता है। जैसे सर्वम जानाति देव, देव सब कुछ जानते हैं, देव माने देवता, देव माने आप। तो यहाँ प्रकरण से प्रसंग से जो बात चल रही उसे होगा कि आप सब जानते ही जी, देवो भवान, भवान आप। अर्थ प्रकरणम लिंगम, लिंग ते कुपित मकरोध्वज इति मकरोध्वज कामः, कुपित मकरोध्वज मकर ध्वजे यस्य सः, व मकर एव ध्वज यस्य सः, पदस्य ध्वजे मकर एव अस्ति स मकरोध्वज। तो मकरोध्वज यहाँ कामदेव का अर्थ में आएगा, न कि पताका झंडा इत्यादि आएगा, क्योंकि यहाँ लिंग पुल्लिंग प्रयोग किया है, मकरोध्वज कुपित उससे आगे कामदेव। देव पुरारी इति पुरारी शिव, अर्थ प्रकरण लिंग, फिर उसके बाद सामर्थ्य न सन्निधि शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, न अर्थ प्रकरण लिंग हो गया, फिर शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, अन्य शब्द की सन्निधि से अर्थ। जैसे कि देव पुरारी इति पुरारी शिव, देव पुरारी, पुरारी पुरा नामक शत्रु के, पुरा नामक एक राक्षस के शत्रु है। तो पुरारी, पुरा नामक राक्षस के शत्रु कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शंकर भगवान अर्थ में क्यों आएगा ना, देव शब्द के कारण, देव पुरारी, पुरारी का अर्थ शिव। और उसके बाद सामर्थ्य मोचिति देश कालो औचिति, फिर औचित्य, औचित्य का प्रसंग दे के कह रहे हैं कि मधुनामत्तः पिकाह, नहीं सामर्थ्य, उसके बाद सामर्थ्य, सामर्थ्य मधुनामत्तः पिकाह, मधु माने शहद, मधु का मतलब बसंत ऋतु, तो मधुनामत्तः पिकाह, पिका माने कोयलम, कोयल मतवाला हो गया, या मधु का मतलब बसंत ऋतु आएगा, मधुर बसंत, सामर्थ्य बसंत ऋतु में कोयल मतवाला हो जाता है। तरे औचित्य पातु वो दयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम, पातु वो दयिता मुखम, दयिता मुखम, दयिता मुखम, दयिताला स्त्री, स्त्री का मुख रक्षा करे, तो यह दयिता का मुख, यह मुख, मुख मतलब मुंह, और मुख मतलब यह सामुख्य, माने यह देवी दुर्गा का जो सामुख्य है वो हमें रक्षा करे। विभाति गगने चंद्रः सामर्थ्य मोचिति देश, या देश का सामर्थ्य, विभाति गगने चंद्रः, गगने चंद्रः विभाति इति चंद्रः शशि, चंद्र का और कुछ अर्थ भी हो सकता है, ठीक है, चंद्र जो है चंद्रहास तलवार भी हो सकता है, लेकिन यह स्थान जो है आकाश में सुशोभित होने वाला चंद्र कौन है, भगवान चंद्र शशि चंद्रमा। और सामर्थ्य मुझे देश काल समय, निशी चित्रभानु इति चित्रभानु बन्नी, निशी माने रात्रि में चित्रभानु, रात्रि में चित्रभानु, यहाँ चित्रभानु मतलब अग्नि है, चित्रभानु मतलब स्वर सुवर्ण भी है, और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ काल जो समय रात्रि का समय आने के कारण बन्नी, चित्रभानु का मतलब अग्नि। भाति रथंगम, तो उसके बाद कालगर व्यक्ति, व्यक्ति माने वही लिंग वाला, भाति रथंगम, रथंगम इति नपुंसक व्यक्त्या रथंगम चक्रम, रथंग मतलब रथ का चक्र है, रथंग मतलब वो कपूत जिसको बोलते हैं चकुआ पक्षी, वो भी कहलाता है चको। तो भाति रथंगम, रथंगम नपुंसक लिंग प्रयोग किया गया, इसलिए नपुंसक से रथंगम चक्रम आया, और स्वर
कि भेद से स्वरस्तु भेद एव विशेष प्रतिविकृत, भेद में इसका विशेष ग्रहण किया जाता है। काव्य इति तस्य विषयः नोदावतः, इसलिए उसके बारे में, स्वर के बारे में यहाँ हम ज़्यादा निरूपण उदाहरण नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थियों, आज यही हम विराम लेते हैं, कल पुनः आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।